हेलो, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक नए प्रोजेक्टर के रिव्यू वीडियो में। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं डोंजो X1 प्रोजेक्टर का रिव्यू। दोस्तों, ये प्रोजेक्टर ट्रेंडिंग एजेंट में मिलने वाला फर्स्ट वाइड वाइन L1 लाइसेंस वाला गूगल सर्टिफाइड प्रोजेक्टर है, जो 8K वीडियो डिकोडिंग के साथ में आता है, डॉल्बी ऑडियो को सपोर्ट करता है। ये एक फुल HD एंड्रॉइड प्रोजेक्टर है, जिसका एंड्रॉइड वर्जन 9 है। 2 GB रैम, 16 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आता है। ब्राइटनेस इस प्रोजेक्टर की 7000 लुमेंस है। 5G वाईफाई और ब्लूटूथ 5.0 इसमें है। रेड एंड ब्लू 3D को भी सपोर्ट करता है। स्क्रीन साइज की बात करें तो कंपनी क्लेम करता है इस प्रोजेक्टर से 30 से लेके 150 इंच तक का स्क्रीन, मगर इस प्रोजेक्टर में मैंने 300 इंच स्क्रीन भी टेस्ट किया है, तो ये प्रोजेक्टर 300 इंच तक का भी स्क्रीन बना देता है। लैंप लाइफ इसकी 50,000 आवर्स की है। पावर कंजप्शन 95 वाट का। प्राइस की बात करें तो ये प्रोजेक्टर आपको ट्रेंडिंग गैजेट के वेबसाइट में देखने को मिलेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और वहां पर इस प्रोजेक्टर का प्राइस 23,999 रुपीस का है। दोस्तों, इस प्रोजेक्टर को आप ट्रेंडिंग गैजेट के वेबसाइट से डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के थ्रू परचेस करते हैं तो आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा, और इसका जो प्राइस थोड़ा सा और कम हो जाएगा, लगभग 22,000 के आसपास। या फिर आप डायरेक्ट सेलर से बात करके भी बेस्ट प्राइस पे इस प्रोजेक्टर को परचेस कर सकते हैं। तो ट्रेंडिंग गैजेट का परचेस लिंक और सेलर का कॉन्टेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से चेकआउट कर लीजिए और आप इस प्रोजेक्टर को बेस्ट प्राइस पे परचेस कर सकते हैं। दोस्तों, ये प्रोजेक्टर इस तरह के बॉक्स में पैकेज होकर आता है, जिसके अंदर आपको एक बढ़िया सा कैरी बैग देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको सारे एसेसरीज और प्रोजेक्टर मिल जाएंगे। बैग के अंदर आपको 2 3D ग्लासेस देखने को मिलेंगे, जो रेडियन साइन के हैं, और ये प्रोजेक्टर रेडियन साइन 3D को सपोर्ट करता है। उसके बाद में आपको 1 ईयर की वारंटी कार्ड देखने को मिलेगा। इसके बाद में आपको एक रिमोट देखने को मिलेगा, जिसमें आपको वॉइस कमांड फीचर मिल जाएंगे, और इसके बाद में इस बैग के अंदर में आपको HDMI केबल और इसका पावर केबल मिल जाएगा। प्रोजेक्टर के लुक एंड डिजाइन काफी बढ़िया है। डार्क ग्रे मेटालिक कलर में ये प्रोजेक्टर आपको देखने को मिलेगा, जिसके सामने की तरफ इमेज करेक्शन लेंस, डोंजो की ब्रांडिंग और नीचे की तरफ 8K वीडियो डिकोडिंग लिखा हुआ है। साइड में आपको डॉल्बी ऑडियो भी लिखा हुआ आएगा। प्रोजेक्टर के कॉर्नर में IR रिसीवर, प्रोजेक्टर के लेफ्ट साइड में आपको हीट वेंटिलेशन ग्रिल और सारे कनेक्टिविटी पोर्ट, जैसे कि 2 HDMI पोर्ट, 2 USB पोर्ट, 1 हेडफोन पोर्ट और 1 AV पोर्ट। प्रोजेक्टर के बैक साइड में आपको स्पीकर देखने को मिलेंगे और एक बड़ी सी डस्ट फिल्टर। प्रोजेक्टर के राइट साइड में आपको पावर इनपुट पोर्ट और इमेज करेक्शन डायल देखने को मिलेगा। प्रोजेक्टर के टॉप में आपको सारे फिजिकल कंट्रोल बटन देखने को मिलेंगे, और प्रोजेक्टर के नीचे की तरफ आपको 4 रबर फुट टेबल माउंट के लिए, और सामने की तरफ आपको एक हाइट एडजस्टिंग बोल्ट का थ्रेड मिलेगा। तो टेबल माउंट अगर करते हैं, प्रोजेक्टर की हाइट को एडजस्ट करना है, तो हाइट एडजस्टिंग नोब के थ्रू इसकी हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। नीचे के साइड ही चारों तरफ आपको छोटे छोटे थ्रेड देखने को मिलेंगे, जो कि इसकी सीलिंग माउंट थ्रेड है, तो इस प्रोजेक्टर को आप सीलिंग माउंट भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया प्रोजेक्टर के लुक एंड डिजाइन की बात, अब बात करते हैं इसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस की। दोस्तों, ये प्रोजेक्टर वाइड बैंड L1 लाइसेंस के साथ में आता है, इस वजह से इसकी प्राइस थोड़ी सी ज्यादा है। डॉल्बी ऑडियो को सपोर्ट करता है, तो डॉल्बी डिजिटल प्लस जैसे ऑडियो फॉर्मेट को ये सपोर्ट करेगा, मगर दोस्तों प्रोजेक्टर के थ्रू आपको डॉल्बी ऑडियो साउंड का एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सिर्फ ऑडियो फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। तो इस प्रोजेक्टर को आप किसी होम थिएटर सिस्टम या फिर साउंड बार के साथ कनेक्ट करके बेहतर साउंड का एक्सपीरियंस पा सकते हैं। इसमें आपको ब्लूटूथ 5.0 देखने को मिलेगा, तो किसी भी साउंड बार, ब्लूटूथ स्पीकर या फिर होम थिएटर सिस्टम के साथ आप ब्लूटूथ के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। किसी तरह का कनेक्टिविटी में इशू आपको नहीं देखने को मिलेगी। इस प्रोजेक्टर में आपको 8K डिकोडिंग लिखा हुआ आया है, मगर मैंने जब इसे 8K वीडियो पे प्ले किया तो ये 8K वीडियो को प्ले नहीं कर पाया, मगर 4K 60 FPS वाले वीडियो को काफी अच्छा ये प्ले करता है, और रिजल्ट आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा। ब्राइटनेस कंपनी इसकी 7000 लुमेंस क्लेम करती है, तो भाई इस प्रोजेक्टर की जो ब्राइटनेस है वो काफी अच्छी है। 100 से लेके 150 इंच तक का स्क्रीन में आपको किसी तरह का ब्राइटनेस की कमी नजर नहीं आएगी, और लाइटिंग कंडीशन में भी इसकी विजिबिलिटी ठीक ठाक ही रहती है। तो इस प्रोजेक्टर को आप डार्क कंडीशन में ही यूज करें, चाहे स्क्रीन साइज कोई भी हो। दोस्तों, इस प्रोजेक्टर के इनबिल्ट यूट्यूब में आपको 4K तक का वीडियो प्ले कर सकते हैं। 4K 60 FPS पे वीडियो प्ले होता है, मगर दोस्तों इसके इनबिल्ट OTT कंटेंट में, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, Amazon प्राइम हो या फिर हॉटस्टार हो, मुझे HD से ऊपर का कंटेंट देखने को नहीं मिला। तो इस प्रोजेक्टर के थ्रू आप अगर कोई भी OTT प्लेटफॉर्म के कंटेंट को देखते हैं, तो आपको HD रेजोल्यूशन
ऑप्शन ही देखने को मिलेगा। फुल एचडी या फिर 4K कंटेंट देखना पसंद करते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म से तो इसमें भी जो है आपको अलग से फायर टीवी स्टिक 4K या फिर बढ़िया सा एंड्रॉइड बॉक्स का यूज करना पड़ेगा। ये प्रोजेक्टर मेरे 12 फीट के कमरे में 107 इंच का स्क्रीन बनाती है तो इसका थ्रो रेशियो भी काफी अच्छा है। कम डिस्टेंस में ये बड़ी स्क्रीन बनाती है। इस प्रोजेक्टर में एक और खास बात है कि ये प्रोजेक्टर आपको इनबिल्ट यूट्यूब पे या फिर कोई भी इनबिल्ट कंटेंट पे आपको पिक्चर मोड का ऑप्शन दे देती है जिसके वजह से आप इनबिल्ट यूट्यूब भी देखते हैं तो आप पिक्चर कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, जैसे कि इसकी ब्राइटनेस, पिक्चर क्वालिटी, शार्पनेस, कॉन्ट्रास्ट, कलर्स वगैरह को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं या फिर पिक्चर मोड का इस्तेमाल करके अपने हिसाब का पिक्चर पा सकते हैं। दोस्तों इस प्रोजेक्टर में विविड मोड पे काफी अच्छा पिक्चर क्वालिटी मुझे देखने को मिला है, ब्राइटनेस भी थोड़ी इंक्रीज लगती है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि विविड मोड का यूज करके अच्छा पिक्चर क्वालिटी आप पा सकते हैं। ओवरऑल इस प्रोजेक्टर की बात करूं तो वाइड वाइन L1 लाइसेंस की वजह से इसकी जो कॉस्ट है थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, मगर दोस्तों ये प्रोजेक्टर आपको 4K 60fps पे कंटेंट को प्ले करती है तो आप USB पेन ड्राइव या फिर HDMI के थ्रू जैसे 4K HDR जैसे कंटेंट को भी आप स्मूथली प्ले कर सकते हैं। इस प्रोजेक्टर में दिए गए 5 वाट के स्पीकर के थ्रू आपको ठीक ठाक साउंड सुनने को मिल जाता है, मगर थिएटर वाला एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो अलग से होम थिएटर सिस्टम कनेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी। इस प्रोजेक्ट में और भी आपको बहुत सारे फीचर मिल जाएंगे जैसे कि स्क्रीन कास्ट, मीरा कास्ट, 4D की स्टोन करेक्शन, जूम इन जूम आउट और पिक्चर मोड जैसे ऑप्शन जो कि बेसिकली हर एंड्रॉइड प्रोजेक्टर में आपको देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये था टोनजो X1 प्रोजेक्टर का रिव्यू। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। Thank you.